जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। वालेकुम सलाम सर। इसके दो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, वो भी ज्वाइन कर ले तो हम स्टार्ट करते हैं। इतने में हम कल की बातें करते हैं, कल हमने क्या क्या डिस्कशंस की थी। बेटा मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही? क्लियर? स्क्रीन शो हो रही है आपको? क्लियर आवाज आ रही है? जी बेटा आप बताएंगे, आप क्लियर आ रही है आवाज? स्टार्ट। अच्छा, इन टॉपिक्स पे हमारा जो है ना कंसेंसस हुआ था कि ये टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं और इन्हीं की बातें जो है ना थ्रू आउट द सेशंस हमने करनी है। इस टॉपिक को हमने देख लिया था, उसके बाद ये भी हो चुका है, ये भी यूनियन इंटरसेक्शन, ये एफएससी का मैंने जो आपको चैप्टर नंबर 1-2 दिए थे उसमें सारी चीजें हो जाएंगी। तो आज है बाउंडेड सेट्स। कल हमने ऑर्डर सेट भी देख लिया था जिसमें ऑर्डर पाया जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर को हमने कहा था कि ये ऑर्डर सेट है। और आज हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट लेते हैं बाउंडेड सेट्स। बाउंडेड सेट के बारे में हमने ये सेट है हमारे पास कोई बाउंडेड सेट। से पहले हम इसकी देखेंगे अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स। इसकी अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स क्या हो जाएंगी? पहले लोअर की बात कर लें, लोअर बाउंड्स ऑफ दिस सेट्स। अब लोअर बाउंड का पहले सुन लें, हर वो नंबर जो इस सेट के सारे एलिमेंट से लेस होगा, हर वो नंबर, लोअर बाउंड सिर्फ एक नहीं होती, हर वो नंबर जो इस
पूरे सेट के तमाम एलिमेंट से लेस होगा उसे हम लोअर बाउंड इस सेट की कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसके एलिमेंट्स को x कह देते हैं, x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। फॉर एग्जांपल n है, अगर इसके सारे सेट के सारे एलिमेंट्स इस n से ग्रेटर रह रहे हैं तो ये इसकी अपर बाउंड सॉरी लोअर बाउंड। फॉर एग्जांपल इसकी इसके लिए हम लिख सकते हैं, इस सेट के लिए लिख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जीरो से ग्रेटर रह रहे हैं। सो जीरो अब अगर आप वन वन के बारे में चेकिंग शुरू कर दें, इक्वल इक्वल का भी इसमें है गुंजाइश है कि इक्वल भी आ जाए ना सारे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट कोई एलिमेंट उसके इक्वल आ जाए तो भी हम कहेंगे कि ये जो है ना क्लियर नहीं आ रही तो आप आना शुरू हो जाएंगे सब। अब क्लियर आ रही है आपको सबको आवाज? तो अगर हम वन के बारे में चेक करें तो सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज ग्रेटर देन फॉर ऑल x बिलोंग टू s, यानी कि s के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये जो है ना m से बड़े रहते हैं। m स्टैंड्स फॉर एनी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रियल नंबर है इससे बड़े रहते हैं। अच्छा उसके बाद हम चेक करने जा रहे थे वन पे भी डेफिनेशन पूरी हो गई है तो वन भी इसकी लोअर बाउंड हो जाएगी सेट की। ठीक है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जैसा कि नाम से ही जाहिर है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसी भी सेट की वो होती है पहले उसका आप ढूंढ लें लोअर बाउंड और उनमें से जो सबसे बड़ी नजर आएगी आपको आप उसको कह देंगे कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इस सेट के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वन है, बाकी सारी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और लोअर बाउंड्स ऑफ दिस सेट। तो ये सेट बाउंडेड बिलो तो है यानी कि इसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही। अपर बाउंड को अगर हम देखें कि इस सेट के सारे एलिमेंट किसी एक स्पेसिफिक मेंबर से या नंबर से क्या होने चाहिए लेस होने चाहिए तो इस तरह की सूरत हाल हमें इस सेट के लिए नहीं मिल रही तो ये सेट जो है बाउंडेड नहीं है क्योंकि बाउंडेड होने के लिए उसको बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, उसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये थे बाउंडेड सेट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेशंस ऑन सेट्स। फिर आपने दो डिफरेंट सेट्स बनाए थे इसी तरह से आप उसको लिस्ट अपर बाउंड को भी डिफाइन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही सेट है
ये भी तो फिर आपने बेटा वहाँ एसएससी में 9th 10th में ए क्रॉस बी बनाया, याद होगा ए क्रॉस बी क्रॉस का यहाँ पे जो के कीबोर्ड पे नहीं है, हम इसको एक्स एक्स से लिखते हैं क्रॉस। हाँ ए क्रॉस बी का क्या फार्मूला, कि ऑर्डर्ड पेयर्स दो ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट एक एलिमेंट उसका उठा लें और एक उसको सच दैट एक्स इज फ्रॉम ए वाई। इसी तरह से आपने इसको क्रॉस प्रोडक्ट बनाया था। रिलेशन क्या है इसके सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स ले लें वो इसके एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन की डेफिनेशन थी। तो हम रैपिडली स्पीडली जाना चाह रहे हैं फंक्शंस पे, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं माइक ऑन करूंगा 2 पार्टिसिपेंट्स के जो मुझे फंक्शन के बारे में बता दें। इसको लेके फिर हम आगे पढ़ेंगे। किसी आम बंदे को बताना है कि फंक्शन क्या होती है। जी सबसे पहले मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। ये न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, कल शायद ये नहीं थे, गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम, इनसे इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और ये हमें बता भी देंगे। गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम मैंने आपको अनम्यूट किया, आप फंक्शन के बारे में बताएंगे। जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम जड़ी प्लेन पानी हो याद की। चलो बेटा चलो अभी है बेटा अभी बाहर चलो शाबाश। चलो इसके बाद है Realme C2 9 का माइक मैं ऑन कर रहा हूँ, ये बस 1 मिनट में बता दें जल्दी। व्हाट इज फंक्शन, ओके मौसम अली बताना चाह रहे हैं ये सवाल। सर ये एक्चुअली जो है फंक्शन है ये रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट्स, इसकी 2 कंडीशन है। एक सर आवाज आ रही है आपको? सर मेरी आवाज आ रही है? सर एक्चुअली फंक्शन दो सेट्स के दरमियान रिलेशन होता है, इसकी 2 कंडीशन है कि एक तो डोमेन ऑफ एफ हमेशा सेट ऑफ ए के इक्वल होगी, और किसी भी जो दो पेयर बनेंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट कभी भी इक्वल नहीं होंगे, देन वो रिलेशन जो होगा वो हम उसको फंक्शन कंसीडर कर लेंगे।
ले बेटा हमारे पास दो सिटीज हैं, एक गाड़ी यहाँ से यहाँ जा रही है मुल्तान से लाहौर, ठीक है। इस गाड़ी में सारे पैसेंजर्स को लेके जाना है इधर। अब ये प्लेसेस हैं लाहौर में, या कह लें कि इसको इस प्लेस पे भेजना है या जहाँ पे भी भेजना है, इसके पास भी पॉइंट्स हैं। एक ऐसी गाड़ी जो हर पैसेंजर को वहां पहुंचा दे जहां जहां पे वो जाना चाहता है। लेकिन आप ये देखें, एक पैसेंजर एक वक्त में एक प्लेस पे ही जा सकता है एट अ टाइम। वो गाड़ी अगर आप कहें कि उसे लाहौर मुझे वहां पे फॉर एग्जाम्पल दाता दरबार भी छोड़ो और उसी वक्त में आप मुझे यहाँ भी छोड़ो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, इस तरह के रिलेशंस को फंक्शन नहीं कहेंगे। हाँ ये है कि ये सारे पैसेंजर्स को उठा के लेके जाए और वहां पे ड्रॉप करे। अगर कहीं किसी को ड्रॉप नहीं करती तो भी वो गाड़ी ठीक नहीं है, बस ऐसे ही घुमाती रहती है, कहीं पे ड्रॉप नहीं करती। इसका मतलब हम मैथमेटिकली क्या कहेंगे कि उसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर किसी मेंबर को उसने पिक तो कर ली है P4, लेकिन अब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस पे आंसर क्या आ रहा है, इसको फंक्शन में पुट करने से या इसको गाड़ी में बिठाने से, गाड़ी इसको कहाँ लेके गई है, क्या आउटपुट आई है, तो कोई पता नहीं चल रहा। तो इस तरह ये मैंने आपको ना न्यू व्यू में ये सारा बताया कि एक तो कोई पैसेंजर जो है ना नहीं रहना चाहिए। आप इसकी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं? कोई भी फॉर्मूला ले लें, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम, ये आपको गाड़ियों का भी पता होना चाहिए, अब शहर का भी पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। एफ ये गाड़ी आर से पैसेंजर्स को उठा के आर में ही लेके जा रही है, किस तरह से लेके जा रही है ये भी पता होना चाहिए। उसी शहर में लेके जा रही है जहां से उसको उठाया, लेकिन फाइव पॉइंट्स आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है, इसी तरह बहुत सारे फंक्शन आप देख सकते हैं। फंक्शन एक रूल है। अब आप इसके लिए इस डेफिनेशन को आप जो हमने एग्जांपल में डायग्राम में ड्रा की हुई है आप देख सकते हैं, इसकी कहीं पे भी वायलेशन नहीं हो रही। कोई पैसेंजर आर का, आर में जितने भी पैसेंजर बेटा बैठे हैं पहले सेट में, इसको कोर डोमेन कहते हैं, दिस वन, दिस इज कॉल्ड कोर डोमेन एंड दिस इज कॉल्ड कोर डोमेन। जितने भी डोमेन में बैठे हैं, डोमेन नाम ही इसीलिए पड़ा है कि सारों ने जाना है। तो आप कोई से भी उठा लें, ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी उसको ड्रॉप ना कर दिया। थ्री पे देख लें, आपके पास बेटा अगर कोई ऐसा पैसेंजर आपको मिल सकता है आर में से जिस पे आंसर नहीं दे पाता ये वाला फार्मूला, अगर आप ऐसा पैसेंजर मींस ऐसा एलिमेंट इस आर में से ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं कि जिस पे ये फार्मूला ये आंसर ना दे, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला फंक्शन, ये फार्मूला है, अभी फार्मूला ही कहेंगे, रिलेशन ही कहेंगे, 1 divided by x minus 1। अब अगर इसको हम कहें ना कि ये फंक्शन आर से आर पे चेकिंग करें इसकी, तो आर से आर पे ये चेकिंग इसकी करते हुए हम कहेंगे हमने एक पॉइंट ढूंढ लिया है 1,
जिस पे 1/0 कोई पता ही नहीं है गाड़ी इसको कहाँ छोड़ के आ रही है 1 इस पैसेंजर को इसने कहाँ छोड़ा है हमें कोई पता नहीं है तो इसलिए इस एग्जांपल को हम फंक्शन नहीं करेंगे फंक्शन एक ऐसा रूल है जो सारों को इमेजेस दे अब जैसे कैमरे में आप अपनी तस्वीर बनाने लगे और तस्वीर आगे बने ना सामने इमेज बने ना इनपुट आप दे रहे हैं सामने प्यारी सी सेल्फी लेने के लिए लेकिन वो हमारी तस्वीर बना ही नहीं रहा हम कहेंगे इस कैमरे के फंक्शंस खराब हो गए ये कैमरा फंक्शनल नहीं रहा ऐसे ही है ना तो इसीलिए जब किसी एलिमेंट की इमेज नहीं आएगी तो हम कहेंगे ये फंक्शन ठीक नहीं है या है ही नहीं है फंक्शन तो मैंने एक एग्जांपल आपको फंक्शन की दे दी है एक दे दी है नॉन फंक्शन की जो कि फंक्शन नहीं है अब हम चलते हैं डोमेन रेंज जो इसका बड़ा इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन है चलें टाइप्स को भी एक नज़र देख लेते हैं उनकी डोमेन रेंज भी साथ साथ करते जाएंगे एफ ऑफ एक्स अब मैं नहीं लिख रहा आपको क्लियर हो जाना चाहिए साइन एक्स कॉस एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे इनकी डोमेन आपको पता है टेंजेंट कॉट सेकंड ये सारे इनकी डोमेन पता थी माइनस आर टू आर थी और सारा ये चीज़ें थी डोमेन रेंज इसकी आप जानते हैं उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन था किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो इसके एक्सपोनेंशियल इसकी डोमेन भी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है लेकिन रेंज इसकी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर तो इसको भी देखेंगे डोमेन रेंज की डेफिनेशन के बाद और लॉग फंक्शन है इसकी डोमेन आपको पता है इसको पॉजिटिव वैल्यू देनी है तभी इसने आंसर देना जीरो पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा अच्छा लॉग के पास कौन से थे ब्रैकेट फंक्शन था ब्रैकेट फंक्शन इन फंक्शंस को आपने बेटा गौर से देखना और इनके ग्राफ्स को फौरन माइंड में ले आना कि किस तरह के इनके ग्राफ हैं अच्छा ब्रैकेट फंक्शन था और भी मशहूर जो आपको याद हैं या देखे हुए हैं लीनियर फंक्शन फंक्शन था क्वाड्रेटिक क्यूबिक इसी तरह बनाए जा सकते हैं फंक्शन जो हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था लॉगरिथमिक फंक्शन था तो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डोमेन रेंज ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला है इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना थोड़ा सा वो हो जाते हैं कंफ्यूज देखिए डोमेन रेंज ढूंढना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है डोमेन रेंज सिर्फ फंक्शन की ढूंढी जा सकती है अगर वो उसे फंक्शन कह चुका है डोमेन द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ द इनपुट वेरिएबल इनपुट मीन जो हम दे रहे हैं इनपुट वेरिएबल फॉर विच द गिवन फंक्शन इनपुट की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन क्या रहे डिफाइंड रहे अब हम एग्जांपल्स ही करेंगे डायरेक्टली
डिफाइंड रहने का मतलब क्या है? डिफाइंड रहने का मतलब है आंसर दे, वो वाली वैल्यूज हमने सिर्फ सेलेक्ट करनी है, उसकी डोमेन में फिटिंग करनी है जो जिन पे आंसर आ रहा है। जिन पे आंसर ही नहीं आ रहा उसको डोमेन हम कहेंगे नहीं, उनको डोमेन से निकाल देंगे। लॉग एक्स है और आपने अक्सर साथ लिखा हुआ देखा होगा कि एक्स ग्रेटर देन, और टीचर्स हमें कहते थे इसको रहने दो, ये ना पढ़ो, बस आप इस क्वेश्चन को हल कर। तो ये फंक्शन ये डिमांड्स कर रहा है कि मुझे जो है ना पॉजिटिव इनपुट देनी है, तो फिर मैं जो है ना आपको आंसर दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो ये इसकी बेटा डोमेन होगी। इस अब इन वैल्यूज पे जो भी आप पुट कर दें, जो भी मर्जी पुट कर दें इनमें से, फंक्शन रिमेन्स डिफाइंड। डिफाइंड मीन आंसर फाइनाइट आएगा, नोन आंसर आएगा, जाना पहचाना आंसर आएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये डिफाइंड है। आंसर जरूर आएगा, इस तरह से भी कह सकते हैं। ऐसी वैल्यूज जिन पे फंक्शन का आंसर जरूर एग्जिस्ट करे, अनडिफाइंड ना हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो फंक्शन की डोमेन है। अब इसकी डोमेन अब एक दो एग्जांपल्स और देख के इसको करते हैं, एक तो पेपर में भी आई हुई थी उनको भी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट और एक्स माइनस, फॉर एग्जांपल ये वाली पेपर में आई थी, कह रहे थे इसकी डोमेन ढूंढे हम। तो इसकी डोमेन देखना है कि ये एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए कि फंक्शन का जो आंसर आता रहे। मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहता हूँ कि इसमें माइनस थ्री पुट कर, रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, रियल में खड़े, तो आपने रियल को ही देख के इसके आंसर बताए, तो क्या आ जाएगा? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर जी बेटा, तो क्या होगा इसमें? इज इक्वल टू फाइव, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट्स माइनस के स्क्वायर रूट्स हमें पता ही नहीं है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और माइनस का स्क्वायर रूट आ जाएगा आयोटा। तो बेटा फंक्शन की उसने बताई होगी कि r से r में जा रहा है, r से r में ढूंढनी है इसकी डोमेन, r से r में ढूंढनी है, और अगर C में जा रहा है तो अनडिफाइंड हो रहा है। अच्छा, उसके बाद रेंज है, ये थोड़ी आसान डेफिनेशन है रेंज। तो इसकी डोमेन के बारे में भी क्या ख्याल है कि ऐसे आपने एक्सपुट करने हैं जिनकी वजह से माइनस ना आए, तो इसकी डोमेन हो जाएगी अच्छा, रेंज तो बड़ी आसान है कि जो जब आप इनपुट दे रहे हैं, इनपुट ने ही फैसला करना है कि इसकी रेंज क्या आ रही है, रेंज ऑफ क्या होती है, द सेट ऑफ इमेजेस। ये दूसरे सेट का हमेशा क्या हुआ करेगा, इन्हीं दो एग्जांपल्स की अगर हम रेंज की बात कर लें तो
इसमें आपने log x में दिए हैं माइनस पॉजिटिव से ऑनवर्ड, इसकी होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि आपको log पता है, log माइनस में भी आंसर देते हैं और log प्लस में भी आंसर देते हैं, पॉइंट्स में भी देते हैं, कुछ भी आंसर दे देते हैं। कुछ फंक्शंस तो ऐसे हैं जिनकी प्री डिफाइंड है। अब इसकी रेंज क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन की, इसकी हम बात करें तो इसने भी पॉजिटिव, जब हम स्क्वायर रूट में पॉजिटिव दे रहे हैं तो इसने आंसर में भी पॉजिटिव ही देना है। इसकी रेंज हो जाएगी बेटा 0 to 2। तो ये डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंडेड फंक्शन। अब बाउंडेड फंक्शन भी तो इसके लिए होमवर्क आपको ये है कि एफएससी की बुक में फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में जितने भी फंक्शंस आपको नजर आते हैं फौरन उसकी डोमेन रेंज चेक करें। रियल में रहते हुए चेक करनी है, कॉम्प्लेक्स में तो आंसर आ सकता है उसका, आपने रियल में रहते हुए उनकी डोमेन रेंज सेट करनी है। ये आपका असाइनमेंट है और होमवर्क जो आप करेंगे। अच्छा, उसके बाद है बाउंडेड फंक्शन। फंक्शन है ये वाला, अभी तो लिखे वही लिख लेते हैं दोबारा। पहला था स्क्वायर रूट और एक्स माइनस, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन आप खुद भी सेट कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं डोमेन, लेकिन डेफिनेशन यही है कि उसकी तमाम वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड रहे। तो इसकी डोमेन में कुछ वक्त के लिए ये क्लोज इंटरवल 5 to 6 या 5 to 20, 26। तो एफ ऑफ 26 कितना है, एफ ऑफ 26 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही आना है स्क्वायर रूट लेने के बाद। और एफ ऑफ 5 कितना है, वो आने 2। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या इसका, इस फंक्शन का इस डोमेन में रहते हुए कोई आंसर आ सकता है, 5 से बड़ा आंसर आ सकता है इस फंक्शन का, इस डोमेन में रहते हुए कोई बड़ा आंसर आ सकता है 5। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसका सेट वाला ही कॉन्सेप्ट है कि सेट को भी हमने कहा था ना बाउंडेड कब होगा, जब उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे उससे लेस होंगे। तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, जब सारी इमेजेस इज लेस देन और इक्वल टू सम मॉडुलस कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स मॉडुलस। ये डेफिनेशन है बाउंडेडनेस की, किसी खास पॉजिटिव नंबर से क्या रहे, लेस रहे और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। आपने एक्स कहाँ से उठाने, अपनी मर्जी से नहीं उठाने, डोमेन में रहते हुए हमने चेकिंग करनी है कि क्या उसके सारे आंसर्स नॉन रहते हैं या सारे आंसर्स किसी खास नंबर से लेस रहते हैं। तो फिर उसको हम उस फंक्शन को क्या कह देंगे, बाउंडेड। अच्छा, इसी फंक्शन की अगर मैं डोमेन बदल दूं
हमने जैसे कि बात की इसकी डोमेन बदल दें हम जी 5 to infinity कर दिए। अब आप मुझे बता सकते हैं कि पिछली डोमेन के साथ इसका एम ये था, यानी कि इस फार्मूला में अगर आप एम ढूंढने में कामयाब हो गए तो आप कह सकते हैं कि बाउंडेड है। इस डोमेन के लिए आप बार बार यहाँ से ला के एलिमेंट्स इसको दे रहे हैं और ये आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता कहाँ तक हम पुटिंग करते जा रहे हैं। वी हैव नो सच एम इस डोमेन में रहते हुए हमारे पास इस तरह का कोई एम मिल ही नहीं रहा कि जो इसको सेटिस्फाई करे फॉर ऑल का लव्स जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है के एक्स आपने यहाँ से उठाने। तो ये बाउंडेड फंक्शन की बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंड्स ऑफ फंक्शन। हाँ, अब यहाँ पर हम बात करेंगे बाउंड्स ऑफ फंक्शन की, वही जैसे अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट बाउंड और ग्रेटर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो एक मिनट इस मीटिंग के लिए बाकी रह गया है, अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन यहाँ तक है तो मैं अभी रिस्पॉन्ड करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ये जस्ट डेफिनेशंस पे काम कर रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं बेटा सारे आप थॉमस की कैलकुलस से करते रहेंगे साथ में। जी कोई भी क्वेश्चन है तो एड्रेस करें, फिर ये मीटिंग एंड हो रही है एक मिनट के बाद। आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? पार्टिसिपेंट्स आवाज आ रही है क्लियर? ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना।